हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के ऊपर क्यू एन ए है। मैंने आपके कुछ क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो सबसे बड़े मतलब आपका हम मान सकते हैं कि 2018 CEN 01 2018 का सबसे बड़े क्वेश्चन है वो यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन। और इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो भी मैंने पीछे आपको बता दिए। ये भी दोस्तों मैंने आपको आपको पीछे ही बता दिए थे कि मेन कट ऑफ है वो आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एक नंबर पर दोस्तों आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है फिलहाल। और नंबर दो पर दोस्तों आपका हम बात करेंगे इस वीडियो में एएलपी के अंदर जो वेटिंग लिस्ट में है और टेक्नीशियन की मेन लिस्ट में है, तो टेक्नीशियन मिलेगा या फिर एएलपी मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछे जाने वाला पर्सन है दोस्तों। तो इनके प्रूफ भी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको और ये वीडियो भी बना चुका हूँ दोस्तों, फिर भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। और यहाँ पर आज ही सुबह दोस्तों रेलवे लाइफ एएलपी सर ने आपको फिर से प्रूफ करके बता दिया। तो आपको खुद को सोचना है दोस्तों ये कि कौन सही है कौन गलत है। तो मैं स्टार्टिंग से तो यही बता रहा था, आप देख सकते हो पीछे की वीडियो जाकर, मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि मेन कट ऑफ बढ़ेगी। मैंने हमेशा आपको यही बोला है कि मेन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मेन कट ऑफ बढ़नी ही थी तो फिर वो दो जगह कट ऑफ क्यों जारी करते, और दो जगह कट ऑफ जारी कैसे होती है अगर मेन कट ऑफ बढ़ती, पोस्ट अलॉटमेंट नहीं होती है। जैसे मेडिकल से पहले पोस्ट अलॉटमेंट नहीं होती है दोस्तों, ये सही बात है, मेडिकल से पहले नहीं होती है, पर आपकी एक रनिंग नंबर आपको दिया जाता है। मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि रनिंग नंबर आपको दिया जाता है, तो दोस्तों वो सब आप पर निर्भर है कि आप किसकी बात मानते हो और किस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। मेरा तो स्टार्टिंग से यही मेथड रहा है कि किसी एक कर पर आपको विश्वास बना के रखना है कि ये हमें सही न्यूज़ देता है, और वो सिलेक्ट करना है उसको और उसकी अपडेट आपको मानना है। तो दोस्तों नंबर दो पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी वेटिंग को टेक्नीशियन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर तीन पर है दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो पोस्ट प्रिफ्रेंस के आधार पर होगा, क्योंकि ये भी आपका काफ़ी डाउट था कि हमारा सिलेक्शन है वो पोस्ट प्रिफ्रेंस के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आप बात मान रहे थे, जिसके हिसाब से आप कट ऑफ बढ़ा रहे थे, अगर उसकी बात आप अभी भी मानते हो तो ये सारा समीकरण है वो गड़बड़ा जाएगा। आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस के आधार पर सिलेक्शन भी नहीं होगा, एएलपी वेटिंग वालों को टेक्नीशियन भी नहीं मिलेगा, तो सारा सिस्टम उसके हिसाब से गड़बड़ा जाएगा। नंबर चार पर दोस्तों सभी पोस्ट में मेरिट देखी जाएगी। जैसे कुछ कैंडिडेटों का ये भी कमेंट आता है, मैंने देखा है काफ़ी, कि 1 से लेकर 8 तक हम हैं वो वेटिंग लिस्ट में या फिर नहीं है कट ऑफ में, और 9, 10, 11 नंबर की जो पोस्ट प्रिफ्रेंस है उसमें हम मेन लिस्ट में हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्तों है कि आपकी मेरिट है वो किस पोस्ट तक देखी जाएगी। एक दोस्तों आपको सुबह बताया था कि आप अभी तो 32 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, और इससे भी कम का होने वाला है दोस्तों, कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा कि इससे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, 25 नंबर प्लस जिसके भी हैं, और जिसकी कट ऑफ मेन कट ऑफ कुछ जोन की आपने देखी होगी, जैसे ST की कट ऑफ, ST का पासिंग मार्क्स है वो 25 रखा गया है रेलवे के द्वारा, तो जिसके 25 नंबर हैं और ST से है, बिलोंग करता है, और मेन कट ऑफ में 25 पर है, तो उसका सिलेक्शन भी होगा यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन का हम बात करेंगे, पांचों का दोस्तों। सबसे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो दोस्तों मेन कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया है कि नहीं बढ़ने वाला, जो भी मेन कट ऑफ में है वो अपने को श्योर समझे। यदि सिर्फ कंडीशन ये है आपका कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और मेडिकल दोनों सही होने चाहिए, यानी कि परफेक्ट फिट होना चाहिए अपने पोस्ट के हिसाब से, और आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है ये तो आप देखते होंगे, पता लग गया होगा दोस्तों। आपका अपना नंबर लेना है, पोस्ट प्रिफ्रेंस लेना है कि ये हमारा पोस्ट प्रिफ्रेंस है और इतना हमारा नंबर है और इतना ये कट ऑफ है, ये तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर आप एक नंबर पर सिलेक्शन के देखो कट ऑफ आपका कितना रहा, आपका जनरल का और आपकी कैटेगरी OBC का, उन दोनों में आपको मिलान करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया था जिस टाइम में रिजल्ट आया था उस टाइम में। अब दूसरा है दोस्तों कि आपका ELP की जो वेटिंग में है वो टेक्नीशियन की मेन मेरिट में है, तो उसको मिलेगा क्या टेक्नीशियन? तो क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पोस्ट प्रिफ्रेंस का फिर मतलब क्या रह जाता है अगर ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट नहीं देंगे, तो फिर पोस्ट प्रिफ्रेंस क्यों दिलाया है अगर आपको ELP की ही मेन और मेरिट वेटिंग में दे देंगे, तो फिर नंबर दो पर जो आपने टेक्नीशियन दिया उसका क्या मतलब है, फिर क्यों दिलाया वो पोस्ट प्रिफ्रेंस? तो ये होगा उसके अंदर, ये कन्फर्म है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दूंगा सभी। नंबर तीन पर आपका सिलेक्शन पोस्ट प्रिफ्रेंस के आधार पर होगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों का जो पैनल आया है, मैंने खुद कमेंट का रिप्लाई किया किसने
कि सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन हो गया सर, तो मैंने उनसे खुद से पूछा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया यस, तो इसका भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। नंबर 4 पर दोस्तों सभी पोस्ट की मेरिट देखी जाएगी, ये कन्फर्म है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी एक पोस्ट की, चाहे वो एक नंबर पर हो या फिर लास्ट का कट ऑफ हो, आप उसका कट ऑफ पूर्ण रूप से पार कर रहे हैं और आपका दोस्तों सही डीवी और मेडिकल हो गया है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका जॉब कोई नहीं रोकने वाला है। नंबर 5 पर है, अभी 32 पर सिलेक्शन हुआ है, इससे नीचे होगा ये मैंने आपको बता दिया कि SC ST वाले हैं उनका सिलेक्ट, ST वाले दोस्तों 25 वाले उनका सिलेक्शन होगा, और 30 नंबर तक OBC का भी सिलेक्शन होगा अगर वो मेन कट ऑफ में है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैंडिडेट, यहाँ पर ये कैंडिडेट दिखा दिया होगा सुबह से ही, तो ये रोल नंबर है, आपने देखा होगा ये रोल नंबर मुजफ्फरपुर जोन से है, इनका 61 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए थे और 27 क्वेश्चन इनके करेक्ट थे और 34 क्वेश्चन इनके रॉन्ग थे, यानी कि इनका अगर नेगेटिव मार्किंग अगर हम डिडक्शन करें तो यहाँ पर टोटल आपके 11.25 मार्क्स इनके डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि 27 में से 11 हम कम करेंगे 11.25, तो 15 पॉइंट समथिंग इनका मार्क्स बचेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो यही इनका बचा हुआ 15.666। तो इनका यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो रेलवे के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था, तो इनका मार्क है वो 99 में से बनेगा, जैसे कि ये यहाँ पर 100 में से 15 नंबर हैं, तो यहाँ पर अब इनको कन्वर्ट करके 99 में से बनाए तो 15.82 बन जाएंगे, और इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होके इनकी किस्मत यही है कि इनको 32.35 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिल गए, फिटर ट्रेड से हैं। यहाँ पर इनका पोस्ट प्रिफ्रेंस देख सकते हो, एक नंबर पर OLP है, नंबर 2 पर ALP है, नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर कैरियर एंड वैगन दिया गया है, 25 कोड नंबर 25 है दोस्तों, यहाँ पर 25 नंबर कोड की कट ऑफ भी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्ट भी है ALP के अंदर, यानी कि ALP के 8 गुना कैंडिडेट पास किए थे उस टाइम में दोस्तों, ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे ALP के लिए, अगर इन्होंने साई को दिया है तो उसमें मेरिट में रह गए होंगे, अगर साई को नहीं दिया है तो वैसे फेल कर गए होंगे, कुछ भी रीजन रहा हो पर ALP की कट ऑफ में ये पार नहीं हो रहे थे, इसीलिए इनको यहाँ पर टेक्नीशियन में सिलेक्शन दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट है वो आपका क्या है दोस्तों, तो ये आपका रिजल्ट है, तो इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर 25 नंबर कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट थी और सबसे कम मेरिट गई है यहाँ पर, तो ये दोस्तों ये कैंडिडेट आपका है, यही कैंडिडेट है सेम का सेम, तो इसका सिलेक्शन है वो 25 नंबर पोस्ट के अंदर हो गया है आपका। तो इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहा है मुजफ्फरपुर जोन से 25 नंबर कैटेगरी का, और दोस्तों ALP का हम देखेंगे तो ALP का बहुत ज़्यादा है आपका, 61 और 63 रहा है, और जबकि उसके नंबर हैं ओनली 32। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे 25 नंबर कैटेगरी, यहाँ पर यह है ईस्ट सेंट्रल रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरियर एंड वैगन, तो इसके अंदर हम जैसे ही देखेंगे कि आपका जनरल का कट ऑफ दोस्तों रहा है 40.18, और ये आपका OBC का रहा दोस्तों 30.76, और आपका ST का रहा है 34 पॉइंट समथिंग, और ST का दोस्तों 44 पॉइंट समथिंग। तो अक्समैन और यहाँ पर इन सब का देखते हैं तो सबका दोस्तों सबका ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ पर OBC का 30 रहा है 30.76, तो दोस्तों इसके नंबर हैं 32, तो यहाँ पर इनका OBC में सिलेक्शन हो गया है, और इसके अलावा यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की अलग से कोई कट ऑफ इससे नीचे नहीं रही है, देख सकते हो सबका कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा है, सिर्फ उसी कैटेगरी यानी कैरियर एंड वैगन वेल्डर ट्रेड से सिलेक्शन है वो इनका, फिटर ट्रेड से सिलेक्शन है वो इनका मेन मेरिट में था, और इनका DV और मेडिकल सही कंप्लीट हुआ तो इनको फाइनली सिलेक्शन दे दिया गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो अब यहाँ पर आपके पास सारा कुछ ओपन हो गया है कि आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है, 32 नंबर पर इनको तीसरे नंबर पर जो पोस्ट में डाली थी वही यानी इनको पोस्ट मिल गई है, तो पोस्ट प्रिफ्रेंस से आपका सिलेक्शन हुआ है, और नंबर 2 पर आपका कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बढ़ी है क्योंकि आपका 30.76 पर दोस्तों सिलेक्शन कट ऑफ था मेन का, और इसके 32 पॉइंट आपके 35 हैं, यानी तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं बढ़ा है, तो दोनों क्वेश्चन आपके ख़त्म, पोस्ट प्रिफ्रेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन है, कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, और ALP अगर एक नंबर दो नंबर पर सिलेक्शन है, और इसके बाद में आपका टेक्नीशियन सिलेक्शन है ALP में, अगर इन्होंने साई को दिया है तो हो सकता है वेटिंग में हो, तो वेटिंग में है और टेक्नीशियन की मैन में है, तो इनको टेक्नीशियन में जगह दी जाएगी। तो ये आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, और 32 नंबर से कम वालों का सिलेक्शन भी होगा दोस्तों, ये आपको क्योंकि काफ़ी ऐसे जोन है जहाँ पर बहुत ही कम कट ऑफ रहा है, जैसे वेल्डर ट्रेड का 25-25 कट ऑफ मैंने देखा है ST का, तो उनका सिलेक्शन 25 पर भी होगा, वो मैन मेरिट में अपना सही डीवी और मेडिकल कंप्लीट करते हैं। तो ये दोस्तों सभी आपके डाउट्स थे जो क्लियर हो गए, तो आपको जागरूक रहना दोस्तों, अभी भी जागरूक रहना है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किस डिपार्टमेंट की सही जानकारी देता है, ये आपको खुद सेलेक्ट करना है,
और उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है दोस्तों। और फॉलो करने आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपने कॉपी किया है। हाँ जी, मैंने कॉपी किया, पर ये कॉपी नहीं, आप एक होता है फॉलो करना और एक होता है कॉपी करना दोस्तों। तो हम एक ऐसे आदमी को फॉलो करते हैं जो सही हमें न्यूज़ देता है, तो उसकी फॉलो न्यूज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है उनका वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचा हो, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच जाए तो मेरा वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैंने फॉलो करके ये वीडियो बनाया, ना कि कॉपी करके। बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जो कॉपी करके बनाते हैं, पर मैंने नहीं बनाया है कॉपी करके। अभी ये सिर्फ यही वीडियो आपको बताया है जो सेम यहाँ पर वही स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। बाकी दोस्तों कॉपी आपका एडुकेशन चैनल है, वो कॉपी सभी होते हैं। कॉपी क्यों होते हैं दोस्तों? आपका एक अपडेट है, जैसे एक नोटिस जारी कर दिया आपकी RRB अहमदाबाद ने, और वो दोस्तों आपका नोटिस है वो मेरे पास 10 मिनट बाद में मैंने देखा, और मेरे से 10 मिनट पहले किसी और ने देख लिया, तो उसने पहले वीडियो बना दिया और मैं 10 मिनट बाद में बनाऊंगा, तो वो कॉपी हो, ये कॉपी नहीं होता दोस्तों, ये अपडेट होता है कि उसको थोड़ा लेट हाथ अपडेट मिला और इसको पहले अपडेट मिल गया, तो ये कॉपी नहीं होता है। आप समझें, ये आपका कैटेगरी अलग है, एडुकेशन कैटेगरी अलग है चैनल की। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।